हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर डिटरमिनेंट्स। और आज की जो हमारी लाइव क्लास है वो डिटरमिनेंट की है। बच्चों, डिटरमिनेंट के सारे बेसिक्स टॉपिक्स आज हम लोग क्लियर कर रहे हैं और सीखना है क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बच्चों कौन कौन से इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो मे बी बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास बच्चों इंपॉर्टेंट क्लास से स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेंट के बेसिक्स सीखते हैं और आज की क्लास का जो मेन पॉइंट है उसी से स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, क्लास जो हमारी है वो डिटरमिनेंट है, यानी स्टार्टिंग डिटरमिनेंट से कर रहे हैं। व्हाट इज द डिटरमिनेंट, सबसे पहला मेन क्वेश्चन आपके लिए है कि भाई डिटरमिनेंट है क्या। सो बच्चों, डिटरमिनेंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि अगर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होगी देन इट इज एसोसिएट टू द डिटरमिनेंट, यानी आप इसको डिटरमिनेंट कह सकते हो। देखिए यहां पर आपको एक डेफिनेशन भी दी गई है डिटरमिनेंट की। चलिए पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू अन एक्सप्रेशन और अ नंबर, यानी कोई भी हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी किसके साथ एसोसिएट होती है, किसी एक नंबर्स के साथ या किसी एक एक्सप्रेशन के साथ, सो दिस इज नोन एज द डिटरमिनेंट। इसको ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। बेसिकली सिंबल आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, आपने एक चीज अभी तक देखी है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के बेसिक पॉइंट में, तो बच्चे कहते हैं सर डिटरमिनेंट जो है वहां पर हमारा कुछ ये सिंबल होता है और जो मैट्रिक्स है वहां पर सिंबल ये होता है, यही बेसिक डिफरेंस होता है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में। लेकिन सिर्फ इस ट्रे का इसका कोई, ये एक बेसिक सिर्फ वे है शो करने के लिए। बाकी जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है फंक्शंस और नंबर्स का, वो हमारा क्या है, वो हमारा जो है बच्चों वो मैट्रिक्स का था। मैट्रिक्स को आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर्स के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो डिटरमिनेंट है, दिस इज अ कंप्लीट नंबर, एक हमारा एक नंबर है जिसको आप कंप्लीटली उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, एक रियल वैल्यूड है। सो बच्चों, बेसिकली डिटरमिनेंट का सिंबल क्या है भाई, किसी भी डिटरमिनेंट को आप ए से डिनोट करते हैं, बी से, किसी भी एक पर्टिकुलर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और वहां पर आप इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। ये मॉड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मोड की जो बच्चों वैल्यू होती है वो कंप्लीट ऑब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वहां पर हमेशा आंसर प्लस में होता है। लेकिन ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस नेगेटिव कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। सो बेसिकली डिटरमिनेंट, आई होप आपने समझा। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस की डिटरमिनेंट होने के लिए मैट्रिक्स होना चाहिए कैसा बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। मेन प्रॉपर्टी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है देन स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप डिटरमिनेंट कह सकते हैं। चलिए, तो ये तो बेसिक्स था कि आखिर हमारी डिटरमिनेंट है क्या। बच्चों डिटरमिनेंट को आपने देखा किस तरीके से 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है। आप 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को जरा देखिए किस तरीके से डिनोट करते हैं। सो 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट दिस कैन बी डिनोटेड बाय दिस वे, 2, 1 कुछ भी ले लीजिए आप। यहां पर मैंने मान लेता है 6 ले लिया और यहां पर 0 लिया, तो बच्चों ये हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, क्योंकि यहां पर देखिए रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर। और बच्चों यहां पर अगर हम 3 रोज 3 कॉलम्स फॉर्म कर देंगे, दिस इज 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 2x2 और 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ही क्या करना है बच्चों, डिस्कस करना है। ओके, तो ये तो डिटरमिनेंट का बेसिकली आपने सिंबलाइजेशन सीखा। आई होप सारे बच्चे अब यहां तक आ चुके हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन पास है, तो अब बात सिर्फ सिंबलाइजेशन और इन सब की नहीं होगी बच्चों। ये तो सिर्फ एक बेसिक था, छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब डिटरमिनेंट्स के कुछ बेसिक चीजों को यहीं से क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहां से ही इस कंडीशन को समझिएगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। बच्चों ये मैट्रिक्स जरूर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये एसोसिएटेड किसके साथ है, दिस इज एसोसिएटेड विद डिटरमिनेंट। कैसे जरा समझिएगा। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिएगा ध्यान से, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लुक एट दिस, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों ये कुछ भी हो सकता है भाई, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स 0, 1 ठीक है ना, 4, 5 ओके, मैंने ऐसे ले लिया। अब बच्चों ये यहां पर आपके सामने एक क्या है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, क्लियर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब अगर आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कह सकते हो, डिटरमिनेंट कह सकते हैं। सो लुक एट दिस, दिस इज द डिटरमिनेंट, ये सिंपली क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। अब अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, देखिए जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स थी 2x2 ऑर्डर की, इससे एसोसिएटेड जो इसकी डिटरमिनेंट होगी, इफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिंगुलर। सो इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बेसिक प्रॉपर्टी, तो वहां पर ये इस्तेमाल होती है। यहां पर आप इस तरीके से समझिए। और बच्चों मान लेते हैं कि अगर ऐसा ना हो, जैसे कि अगर ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाए तब तो ठीक है, सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर हमारा उस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए, नॉट इक्वल टू 0, सो इन दिस सिचुएशन दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों इसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्लियर। सो ये हो गया हमारा सिंगुलर, ये हो गया बच्चों हमारा नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अभी हम लोग इसके कंडीशंस को भी समझेंगे कि भाई ऐसे बच्चों हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली एक छोटा सा ब्रीफ है जिसको आपको समझना है।
बच्चों इस बार के सिलेबस को अगर आप ध्यान रखिए तो सिलेबस में 30% क्लोज जो रिड्यूस हो गया है कोर्स आपका, उस रिड्यूस सिलेबस के बाद प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से जो है वो मूव आउट कर दी गई है, यानी डिटरमिनेंट्स का बहुत बड़ा पोर्शन जो है बच्चों वैसे ही ऑलरेडी हट चुका है, यानी अब आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से नहीं आने वाला है इस बार बोर्ड में, क्योंकि उस बार डिलीटेड पोर्शन में चला गया, तो आपको इन्हीं सारी छोटी बेसिक चीजों पर ही फोकस करना है। और बच्चों एक जो इंपॉर्टेंट समय जो 5 मार्कर श्योर आता ही है, चलिए एक बार उसको डिस्कस करेंगे। तो उन सारे बेसिक चीजों को एक एक करके यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट स्टार्ट करना शुरू करते हैं। बच्चों डिटरमिनेंट हम लोग ने सीख लिया, बेसिकली डिटरमिनेंट क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि एसोसिएट है किसी नंबर किसी हमारे रियल नंबर वैल्यू के साथ, दिस इज डिटरमिनेंट, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट में 2 बेसिक पॉइंट सीखे हम लोग ने, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो समझिएगा इसको मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट है डिटरमिनेंट, ऐसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है वो सिंगुलर हो जाएगा, और सिंपल सी बात अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ओके चलिए अब इसके बाद समझते हैं कैसे हम लोग इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। सो बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन ऐसा मे भी आ सकता है जहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आप किस तरीके से निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों यहां पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिख रही है, ठीक है ना, एक्चुअल में वो 2 डिटरमिनेंट है क्योंकि वो स्क्वायर है। सो ये डिटरमिनेंट है ए, एक हमारे पास बच्चों बी है, ठीक है ना। इन डिटरमिनेंट्स की हमें वैल्यू इवैल्यूएट करके निकालनी है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, यानी कि सॉल्विंग ऑफ डिटरमिनेंट का बेसिक सा पॉइंट है। इस पॉइंट को समझते हैं, उससे पहले बच्चों एक चीज है जिसको क्लियर कर लीजिए पॉइंट वाइज। देखिए यहां पर डिटरमिनेंट में सिंबल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। स्टार्टिंग हमारी प्लस से होती है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, फिर बच्चों माइनस प्लस माइनस, और देन आफ्टर प्लस माइनस प्लस। ओके तो ये हमारा जो पॉइंट है पहला वाला जो आप देख रहे हैं एलिमेंट्स, यहां पर A11 होता है, आपको पता है A11 है, फिर ये A12 है बच्चों, ये A13 है। इसी तरीके से आपको इस सब चीजों को ध्यान रखना है AIJ के फॉर्म से जैसे आप देखते थे। सो बच्चों इसको आप इसी तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं, जो AIJ है सिंबल जो है वो -1 to the power i + j पर डिपेंड करता है, i + j, क्लियर। अब यहां पर जरा देखिए A11, अगर हमारे पास ये 1 और 1 दोनों क्या हुए, अगर आप यहां पर जरा देखिए ऐड करिए, सो -1 to the power 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 होगा, -1 की पावर अगर 2 हो जाएगी तो इसका मतलब उसका आंसर पॉजिटिव होगा। निगेटिव इंटीजर टू दी पावर प्लस, किसी भी निगेटिव के ऊपर अगर पावर पॉजिटिव होगी तो इन सिचुएशन में आप इस चीज को समझ लीजिए आंसर ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो उसी हिसाब से हमारी जो साइंस आपको दिख रहे हैं माइनस प्लस, इसी के बेस पर बच्चों क्या है वो डिसाइडेड है। जैसे अगर एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं इसी AIJ केस से हमने आपसे बताया कि यहां पर A31 की बात है, चलिए हम लोग A31 देखते हैं। सो A31 जरा काउंट कर, देखिए यहां पर A3 है ये, ठीक है ना, A31 तो यही हुआ A31, ये पॉजिटिव आ रहा है, जरा देखिए क्यों पॉजिटिव है, इसके होने का रीजन -1 to the power 3 + 1 सिंपली। सो कितना हुआ, 4 हुआ, -1 to the power 4 हुआ बच्चों, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से आपकी जो साइन दिख रहे हैं आपको डिटरमिनेंट्स में प्लस माइनस प्लस, इनके होने का रीजन ये है। तो बच्चों ये तो साइन आपको ध्यान रखना है किस तरीके से 3/3 की जो हमारा डिटरमिनेंट है 3/3 का, उस ऑर्डर में अगर है तो कैसे आप देखोगे, और बच्चों 2/2 पे है तो उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे। ओके अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की, इनकी सॉल्विंग की, और फिर उसके बाद किस तरीके से हम बच्चों इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो भी क्लियर करेंगे। सो देखिए यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्टिंग विद 2/2। ओके बहुत सिंपल सा प्रोसेस है सॉल्व करने का, आपको सिंपली यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एंड माइनस विद मल्टीप्लाई बाय विद दिस टू दिस, यानी कि जब आप इसकी सॉल्विंग की बात करोगे यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे फॉर 2/2 डिटरमिनेंट, सो लुक एट दिस, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मल्टीप्लाई टू दिस, यानी कि A + IB मल्टीप्लाई बाय विद A - IB, क्लियर, एंड माइनस साइन माइनस C + ID, दिस इज मल्टीप्लाई बाय विद C - ID। ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिंपल सा प्रोसेस है सॉल्विंग का, बस सिंपल आपको ध्यान रखना है कि फर्स्टली प्रिंसिपल डायग्राम इसको मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद माइनस साइन, इस चीज का साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों। सो यहां से अब इसके बाद इसकी सॉल्विंग को जरा देखिएगा, सिंपल सॉल्व हो जाएगा जैसे आप सिंपली सॉल्विंग करते हैं, बाकी सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं सॉल्विंग को, उसी तरीके से इसको भी लीजिए A + B A - B, यानी कि A² - B² सो A² - IB², क्लियर। और यहां से जरा आ जाइए, यहां पर हो गया C² और बच्चों क्या हो जाएगा C² - ID², क्लियर। चलिए ये पॉइंट हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया, अब बच्चों यहां से देखिए ये तो A² रहेगा लेकिन ये I² - B² हो जाएगा, और बच्चों I² की जो वैल्यू होती है आपने इसको सीखा है ये हमारा क्या है I, आपको पता है इमेजिनरी पार्ट है, और I² की वैल्यू होती है बच्चों -1। ओके सो माइनस ये है ऑलरेडी, माइनस का B² मिलेगा सो सिंपली आपको मिलेगा प्लस,
और यहां से आपको मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सिंप्लीफाई आप इतना मैक्सिमम कर पाएंगे और इस तरीके से इसकी वैल्यू को क्लियर कर पाएंगे। तो बहुत इजी वन है, किसी भी 2x2 ऑर्डर में अगर है उसकी वैल्यू फाइंड करना। चलिए अब सॉल्विंग करते हैं यहां पर 3x3 में। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ओपन करना आपको आना चाहिए, वन मार्क का क्वेश्चन में भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो बच्चों यहां पर आपको डिटरमिनेंट बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे ओपन करते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो आप साइन डिसाइड कर लो भाई, यहां पर पहला अगर आपको एक चीज ये देखनी है किसके करस्पॉन्डिंग आप ओपन करके इसको सॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को आप डिसाइड कर लीजिए, चाहे वो फर्स्ट रो हो चाहे वो सेकंड रो। अब बच्चों ये नहीं कर सकते कि पहला आपने इसको लिया फिर इसको लिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके यहां पर आपको अगर किसी भी एक रो को आपने टेक किया है तो पूरी रो के करस्पॉन्डेंस आप पूरे टर्म्स को ओपन करिए, पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, तब वैल्यू निकलेगी। या बच्चों किसी पर्टिकुलर कॉलम को, अब वो कॉलम और रो कोई भी हो सकती है, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन मोस्टली हम लोग या तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग या फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि जनरली हम लोग पहले फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से ही इसको क्या करते हैं ओपन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए समझिए, साइन देखेंगे प्लस देन आफ्टर माइनस फिर प्लस। ओके तो इसी के रिस्पेक्ट में साइन से ये ओपन होगा, जरा देखिएगा ध्यान से। सो डिटरमिनेंट बी किस तरीके से सॉल्व करना है आगे समझते हैं। बच्चों प्लस थ्री के लिए सबसे पहले ओपन होगा तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपको पता है क्या हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, यानी कि थ्री के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को आप बंद कर दीजिए ऐसे। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये मिल गया, ठीक है ना। देखिए करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का क्या हुआ, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ ये बचा। अब आपको सिंपली इसी 2x2 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। सो 1 × 1 1 और बेसिकली यहां से क्या हुआ 3 × 2 = 6, ये माइनस का 6 है और माइनस ऑलरेडी बच्चों होता है, तो माइनस और माइनस 1 + 6 हो जाएगा, तो आपको वैल्यू ये यहां से ऐसे आ जाएगी। सो आई होप आपने इतना बेसिक्स पॉइंट क्लियर किया ओपन करने का। अब जरा आ जाए फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जब आपने ओपन कर लिया तो चलते हैं सेकंड वाले में, यानी सेकंड क्या है -4। अब बच्चों -4 के अकॉर्डिंग इसको कैसे ओपन करेंगे जरा ये भी देखिएगा। सो -4 के अकॉर्डिंग जब बच्चों आप इसको ओपन करेंगे, सो लुक एट दिस, अब यहां पर मैंने -4 तो लिखा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि ये माइनस में ऑलरेडी होने वाला है, क्योंकि देखिए जरा ये प्लस फिर माइनस के रिस्पेक्ट में ओपन होगा। सो ये माइनस इस माइनस को यहीं पर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ओके यहीं से इसका पॉजिटिव हो जाना है। अब बच्चों आगे की जरा कंडीशन समझिए, अब फिर से वही प्रोसेस है, जिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आप ओपन कर रहे हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को आप इस तरीके से ब्लॉक कर लीजिए, और 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 मिलेगा बच्चों, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, और माइनस का फिर से 4 है और फिर से वही वैल्यू है -4, लेकिन यहां माइनस होता है तो इसको कर देगा प्लस का 4 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। और फाइनल बच्चों इसी तरीके से आपको लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसके लिए ओपन करना है और इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करना है, आपको फाइनल वैल्यू यहां से फिर से मिल जाएगी। तो माइनस प्लस था बच्चों, फिर माइनस हुआ, फिर से इस बार प्लस की बारी है, तो दिस टाइम वी हैव टू ओपन विद प्लस। सो नाउ +5, लुक एट दिस, +5 टेक करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस +5, ये दोनों ही रो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स क्या हो गई, ब्लॉक हो गई है। 1 × 3 3 हुआ, 2 × 1 1 हुआ, 3 − 2 1 हो जाएगा, फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी 1, तो मैंने यहां पर फाइनली इसको 1 लिख दिया। नाउ लुक एट दिस, ये 7 है, 3 से करेंगे 21 हो जाएगा बच्चों, ये कितना है 5 है। अब 5 को जब हम लोग 4 से करेंगे तो कहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पर 5 × 4 = 20 मिल जाएगा और फाइनली यहां पर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी वैल्यू को सिंपली ऐड कर दीजिए, फाइनल आपको सॉल्विंग मिल जाएगी और आपको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। तो आप किसी भी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करके वैल्यू को सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये तो बेसिक्स है किसी भी कंडीशन में डिटरमिनेंट को ओपन करने का। तो ये 40 है, 45 है और बच्चों एक और ऐड होगा तो 46 आपको फाइनल वैल्यू यहां से। तो ये जो डिटरमिनेंट है बच्चों यहां पर, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जरा देखिए क्या आई है, 46 आई है। इसका मतलब डिटरमिनेंट बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आप इसको एक सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हो, इजिली सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों ये, ठीक है ना। तो यहां से दोनों कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिए, जिस डिटरमिनेंट की, जिस एसोसिएटेड डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो वो मैट्रिक्स हमारी बच्चों ये नॉन सिंगुलर, यहाँ पे मैं नॉन लिख देता हूँ, नॉन सिंगुलर है। अगर बच्चों 0 आ जाता तब हम उसको सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अगर बच्चों ये 0 की वैल्यू की कॉल आ जाता है देन इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके तो ये तो बेसिक्स है सिंगुलर नॉन सिंगुलर का, और ये किस तरीके से आप 3x3 और 2x2 की मैट्रिक्स को, यानी डिटरमिनेंट जो फॉर्म कर जाएगा उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वन मार्कर क्वेश्चन में भी इससे मिल सकता है आपको और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसी के बेस पर, इवैल्यूएशंस के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं बच्चों, वहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। अब जैसे यहां पर आपको इसको इवैल्यूएट करना है, यानी सिंपली आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और जहां तक आप इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं वो निकाल ली बच्चों। इसी में
कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं आ जाते हैं, चलिए उसको भी पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसकी कंडीशंस को। सो यहां पर 2x2 ऑर्डर है। अब इसको ओपन करना बहुत इजी है, सिंपली आपको करना क्या होता है, देखिए यहां पर आपको फर्स्टली यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर वी हैव टू मल्टीप्लाई टू दिस। ओके, सो एक्स प्लस वन इज मल्टीप्लाई बाय विथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, लुक एट दिस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर क्या आएगा माइनस, सो एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय विथ एक्स माइनस वन, क्लियर। सो यहां से आपको जो भी डिटरमिनेंट है, मान लेता हूं ए है, तो इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे फाइनली इसको कैसे आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे। सो बच्चों जरा इसको ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वन यानी कि ए प्लस बी है, ए स्क्वायर है, वन को वन का स्क्वायर भी आप कह सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, फॉर्मूला किसका बन गया, दिस फॉर्मूला इज ए, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां से फॉर्म हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब मतलब वन, क्लियर। अब यहां पर आ जाइए, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो सिंपली बच्चों ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जब ये माइनस आप एंटर करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वन मिलने वाला है, क्लियर है ना। ये बच्चों आपको क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस वन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना था, और यहां पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, और जब माइनस एंटर करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वन हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू जो है वो ऑप्टेन हो जाएगी सिंप्लीफाई होने के बाद। तो प्लस का टू लिख देता हूं और माइनस का एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मैंने इसको नोट कर दिया है, आप इसको चाहे तो, इससे ज्यादा बच्चों सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं, यानी कि एक सिंप्लीफिकेशन की बात है। अब बच्चों जो मेन क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से उसको समझते हैं जरा, देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, सो यहां पर जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, टू है और डिटरमिनेंट मैंने लिखा है टू है, यहां पर एक्स है, और यहां पर मेरे पास थ्री है, और यहां पर बच्चों क्या है मान लेता हूं फाइव है, लुक एट दिस, और यहां से इसको इक्वल मैंने कर दिया है वन और टू जीरो थ्री। अब बच्चों क्या करोगे, क्या आप कंपेयर कर लोगे, कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स इक्वल टू टू कर दोगे, नहीं भाई रॉन्ग हो जाएगा, ये भाई डिटरमिनेंट फॉर्म में अब हमारा है, ठीक है ना, वो एसोसिएट नहीं होता इस तरीके से। बच्चों सारे टर्म्स हमारे सेम होने चाहिए, देखिए जरा ध्यान से इसमें क्या टर्म्स हमारे सेम है, तो आप ये इक्वल नहीं कर सकते हैं, ये इक्वल मैट्रिक्स में फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। टू बाई टू ऑर्डर जरूर सेम है, लेकिन आप इसमें बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, कहते हैं भाई ये भी टू ए वन टू है, ये भी ए वन टू है, इसको सीधे टू लिख दीजिए, लेकिन ये हो जाएगा रॉन्ग, तो इस चीज की गलती मत करिएगा। वन मार्कर क्वेश्चन में भी मिलते हैं, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। So, बच्चों करना क्या है सिंपली जरा देखिए, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्लियर, नाउ दिस मल्टीप्लाई माइनस 3x, और यहां से जब आप सॉल्विंग करेंगे तो 3 माइनस 0 मतलब 3। अब आपको देखिए यहां करना क्या है, 10 माइनस 3 इक्वल टू 3x, और जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो 7/3 वैल्यू मिलेगी आपको किसकी, बच्चों x की। तो इस तरीके से आपको सॉल्विंग करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, तो ये वन मार्कर क्वेश्चन में भी हो सकते हैं इस टाइप के, जहां पर आपको इस तरीके के एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो बच्चों वहां पर आप इस तरीके के सॉल्यूशंस को सॉल्विंग अप्लाई करेंगे और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जिसको डिस्कस करते हैं बच्चों, और इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। सो बच्चों यहां पर क्वेश्चन जरा देखिए, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, यानी ए कोई भी एक मैट्रिक्स है सिंपली 2x2 ऑर्डर की है, तो यहां पर कोई भी एक मैट्रिक्स एसोसिएटेड मैट्रिक्स यहां पर इससे लिख लेते हैं। चलिए तो एक मैट्रिक्स हमने ली ए, एंड दिस मैट्रिक्स इज 2x2 ऑर्डर, क्लियर है, सो 2x2 ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, क्लियर होगा। अब ये 2x2 ऑर्डर का हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स मिल गया है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास है, देखिए देन द वैल्यू ऑफ के डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि आपको के डिटरमिनेंट ऑफ ए का सिंप्लीफाई वर्जन फाइंड करना, भाई वैल्यू क्या आएगी। सो इसका हम लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉल्विंग के बेस पर आपसे बताना चाहा कि भाई सॉल्विंग से थोड़ा क्लियर कर लीजिए, जो ज्यादा इजी हो जाएगा। बच्चों यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर अगर हम लोग निकालते हैं इसमें के ए, सो के का मतलब क्या हुआ कि हर एक वैल्यू में इसका मल्टीप्लीकेशन होगा भाई, क्योंकि मैट्रिक्स में तो क्या होता है बेसिकली हर एक टर्म्स के साथ कोई चीज प्रोडक्ट में जाती है। सो के का मतलब है के ए 11 के ए 12 है ना, ऐसे ही तो होगा के 21 और बच्चों के ए 22, बेसिक तो यही मतलब हुआ। और जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, सो देखिएगा ध्यान से डिटरमिनेंट ऑफ के ए, सो यहां पर देखिए उसका मैं रीजन दे रहा हूं कि आखिर क्यों ऐसा हो जाता है, डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता हूं लेकिन उसका पूरा रीजन ले लीजिए, जिससे कि आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पर आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।
when we have to multiply it. So look at this. अब इसकी सॉल्विंग थोड़ा डिटरमिनेंट में देख लीजिए. डिटरमिनेंट ऑफ के ए दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ के ए वन 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 और के वन टू फाइनली के टू वन और के टू टू. अब जरा इसको आप सॉल्व करिए देखिए क्या मिलेगा. यहां से आप जब मल्टीप्लाई करोगे सो ये हो जाएगा के स्क्वायर सिंपली और ए वन वन इंटू ए वन टू ए वन ए टू टू क्लियर ए टू टू है. और बच्चों माइनस में क्या होगा के स्क्वायर तो वो तो मैंने कॉमन ले लिया है ए वन टू और के टू वन यानी कि वही ए है साथ में ए टू वन सो ए टू वन हो गया. सो देखिए पूरी वैल्यू ये क्या है ये पूरी वैल्यू हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होती है. अगर हम डिटरमिनेंट ए सॉल्व करते हैं तो बच्चों यही वैल्यू आती है. डिटरमिनेंट ए की अगर हम वैल्यू देखिए तो यही होगा. तो ये फाइनली आंसर क्या हुआ के स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए ये वैल्यू हमारी डिटरमिनेंट ऑफ ए है. तो सिंपली आप इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं ये के स्क्वायर है. यानी कहने का मतलब डायरेक्टली आंसर अगर आपको देखना है तो जितना ऑर्डर है जितना आपने स्केलर मल्टीप्लाई किया है बच्चों आपको सिर्फ वही करना होता है उस स्केलर को उतने टाइम क्या करना है स्क्वायर करना है क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर है और यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपको सीधे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. बच्चों क्वेश्चन को तो अगर थोड़ा चेंज करके देखें देखिए अगर यहां पर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं भाई क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में आ गया 3x3 यही सेम क्वेश्चन है सब कुछ सेम हो जाए लेकिन बच्चों सिर्फ एक चेंज हो जाए और वो चेंज ये हो कि यहां पर ऑर्डर आपका बदल के मैंने यहां कर दिया 3x3 ऑर्डर सब कुछ सेम है बच्चों वही डिटरमिनेंट ए है सेम डिटरमिनेंट है कोई भी हमारी चेंजेस नहीं है सिर्फ उसका ऑर्डर अब ऑर्डर चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स न्यू ऐड हो जाएंगे. सो बच्चों 3x3 ऑर्डर है. अब आपसे कहा जाए कि आप यहां से डिटरमिनेंट के ए की वैल्यू निकालिए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए. सो डिटरमिनेंट के ए की जो बच्चों वैल्यू होगी देखिए ऑर्डर कितना है 3x3 का सो के क्यूब हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो यानी जैसे जैसे ये ऑर्डर बढ़ता जाए आप के ऊपर पावर इंक्रीज करते जाइए और आपको इस तरीके से ये वैल्यू मिलती जाएगी. बच्चों इस पे बेस क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन इस पे मिल सकते हैं आपको. बहुत इंपॉर्टेंट सम है काफी सारे आते हैं पूछे जाते हैं हर बार. सो बच्चों जरा क्वेश्चन को जरा अच्छे से वॉच करिए देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट ए है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 क्लियर माइनस 2 कर लेता हूं. लुक एट दिस डिटरमिनेंट ए इज गिवन टू माइनस 2 एंड जो मैट्रिक एसोसिएटेड स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों वो 2x2 ऑर्डर का है और आपसे कहा गया कि आप वैल्यू निकालिए 3 डिटरमिनेंट ए की 3 ठीक है ना 3a डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है. अब आपको इसका आंसर देना है कैसे देंगे देखिए आपने डायरेक्टली कंडीशन सीख लिए ऑर्डर क्या है 2x2 का. अब जैसे ही आपने ऑर्डर पहले पूछा कि सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप ऑर्डर को ही वॉच करिए ऑर्डर देखिए तब आपको अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि ऑर्डर पे ही सब कुछ बेस्ड है. ऑर्डर हमारे पास क्या है 3x3 का इस बार क्योंकि इस बार ये 2x2 ऑर्डर की हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया 3x3. अब बच्चों 3x3 ऑर्डर का इसका मतलब आपको अपना स्केलर 3 में किसका इनटू 3 कितनी पावर अप्लाई करनी पड़ेगी 3 अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि जो फॉर्मूला है अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अगर 3x3 ऑर्डर का है तो ये के क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है. तो यहां पर भी क्या होगा के एक्चुअल में वो स्केलर है स्केलर कितना है 3 तो 3 और उसके ऊपर पावर भी कितनी हो जाएगी 3 बच्चों हो जाएगी क्योंकि हमारे ये 3x3 ऑर्डर का है और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए और वो वैल्यू हमको गिवन है -2 सो वी हैव टू राइट एज -2. ये कितना हुआ 27 हो गया बच्चों -2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया सो आंसर टोटल मिलेगा -54. सो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं इजीली डायरेक्टली और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा और 1 मार्कर क्वेश्चंस 2 मार्कर क्वेश्चंस में भी इस तरीके के फाइनली आ सकते हैं. तो आपको इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. चलिए बच्चों कुछ और बेसिक कंडीशंस हैं जो हमारे डिटरमिनेंट से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि पेपर में अब यही सब कुछ बचा है और एक क्वेश्चन 2 मार्कर श्योरली मिलने के चांसेस हैं 2 से 3 मार्क्स में कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन इससे मिल जाए. देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हमारा ट्रायंगल के एरिया पे बेस्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल. देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिकली समझिए आपको ट्रायंगल्स के क्या दिए होंगे सिंपली यहां पर ट्रायंगल्स के आपको देखिए कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 बी है हमारा x2 y2 x3 y3 और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट. अब कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे तो हम लोग हाफ बेस इनटू हाइट सिंपली निकाल ही लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देखिए वो वही फॉर्मूला बनता है लेकिन हमें हेल्प लेनी है डिटरमिनेंट की. डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं कैसे इजिली आंसर निकाल सकते हैं हमें बेसिकली बच्चों ये सीखना है. तो बच्चों 3 मार्कर क्वेश्चन श्योरली मिलना है आप इसको ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है क्योंकि 30% सिलेबस के रिड्यूस होने के बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है डिटरमिनेंट पे वो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस में से है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की कंडीशंस को समझते हैं. सो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला यहां से फॉर्म होगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मान लेते हैं हमारे पास ये एबीसी ट्रायंगल है, सो वी हैव टू टेकन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नाउ द फॉर्मूला इज 1 अपॉन 2 डिटरमिनेंट। अब जरा देखिए यहां से इस चीज को अच्छे से वॉच करिएगा, डिटरमिनेंट यहां पे इन्वॉल्व है क्योंकि हमें विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब इसको जरा अरेंजमेंट को समझिएगा, 1 अपॉन 2 डिटरमिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन और 1। एक्स वन वाई वन जरा देखिए क्या है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स हैं। और सेकेंड वाले को देखिए एक्स टू वाई टू 1 और एक्स थ्री वाई थ्री ये भी 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। अब बच्चों इसको ओपन कैसे करें, जैसे आपने ओपन करना है देखिए उस पर मॉड भी लगा लो आप, सिंपली ये मैं मॉड लगा रहा हूं, भाई इस चीज को भी समझिए मॉड क्यों लग रहा है, देखिए इसके मॉड का रीजन समझिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है, प्लस साथ में मैंने मॉड भी अप्लाई किया क्योंकि बच्चों ट्रायंगल कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता क्योंकि वो वैल्यू है भाई, किसी भी कंडीशंस में बहुत ज्यादा वैल्यू होगी तो जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा होगा, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अभी इसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये तीनों एबीसी कोलिनियर हो जाएंगे बहुत ज्यादा मैक्सिमम है ना, इतना ही तो हो पाएगा भाई, अगर बहुत कम होगा तो लाइन ये तीनों ही हमारे एक सिंगल पॉइंट में एक सिंगल लाइन में हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में सिचुएशन में कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बनेगा बच्चों जीरो आ जाएगा। लेकिन निगेटिव का क्या मतलब है, निगेटिव पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टू टेकन द मॉड। अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो आप उसको पॉजिटिव वैल्यू ही लीजिए, उसको प्लस वैल्यू कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस बेसिक पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, और इसी बेसिक क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पर बेस जहां पर आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ सकती है। बच्चों यहीं से मैंने आपको एक दूसरी कंडीशन सिखाई, वो क्या है हमारी कोलिनियरिटी की। देखिए कोलिनियरिटी की कंडीशंस को समझिए, अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाए, यानी कि जो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं बच्चों, अगर इस पूरी वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल की जीरो के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब हमारे तीनों पॉइंट तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि कोई उनसे कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा होगा। अब भाई सिचुएशन ऐसे समझिए, अगर वो एक लाइन में नहीं है, थोड़ा सा भी अगर एक लाइन से हटके, जैसे ये ए बी और सी थोड़ा सा ऐसे है, तो बच्चों कोई ना कोई ट्रायंगल तो वो फॉर्म कर ही लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फिर ट्रायंगल बने ना। और बच्चों एक ही ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वो है कोलिनियरिटी की, जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, देन 100% उनका एरिया क्या होगा, जीरो होगा, अदरवाइज कोई ना कोई एरिया जरूर रखेंगे। तो बच्चों यहां से कोलिनियरिटी अगर प्रूफ करनी है तीन पॉइंट की, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को, यानी इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा आपको, जीरो। अगर ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई सॉल्विंग के बाद, देन यू कैन डायरेक्टली से दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर, मतलब ये कोलिनियर है, श्योरली आप इसको कह सकते हैं। बेसिक पॉइंट ये है इतना जिसको आपको समझना है। तो आई होप आपने इस पॉइंट को क्लियर किया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला एक बेसिक पॉइंट की एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है उसको समझना है आपको, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद इसी से रिलेटेड हमारा पॉइंट है कौन सा, दूसरा पॉइंट कोलिनियर वाला, उसको आपको क्लियर करना है, जिसको मैंने आपको भी बताया कि कोलिनियर होने के लिए बच्चों क्या कंडीशन होनी चाहिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या बेसिक पॉइंट होना चाहिए। चलिए इसी बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको क्लियर करेंगे, और बच्चों उसी के बेस पर क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे, समझिएगा। देखिए जैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए इसी क्वेश्चन से दोनों कंडीशन आपके, भाई आपको ट्रायंगल तो निकालना ही है ना, ट्रायंगल का एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। अब एरिया आप पूरा निकालिए, अगर वैल्यू जीरो आ गई तो ठीक है कोलिनियर हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा कोलिनियर नहीं हो पाएगा। तो यानी कि दोनों ही केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालना ही पड़ता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना मस्ट है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। ओके बच्चों, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल की कंडीशंस को आपको निकालना ही पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आगे का पोर्शन हमारा सॉल्व होगा। सो बच्चों यहां पर देखिए पॉइंट आपके सामने मिल गए हैं, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन हो सकती है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बच्चों कोई भी ट्रायंगल हमारा हो सकता है, 1/2 फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 के साथ साथ में ये पॉइंट हमारे हो गए x1 y1। लुक एट दिस, दिस कैन बी टेकन एज x1 y1, और बच्चों इसको ले लीजिए x2 y2, और नेक्स्ट वाले को ले लीजिए x3, और बच्चों यहां से इसको लीजिए y3। क्लियर? सो ये इस तरीके से आपने सारे पॉइंट डिसाइड कर लिए, कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, y1 कौन सा है, y2 y3 कौन से है। अब इन सारी वैल्यूज को यहां पर रखते हैं। देखिए जो कंडीशंस फॉर्मूला क्या सीखा था, x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग यहां पर फिट करते हैं। x1 यानी कि a, और इसके साथ में x1 और साथ में क्या है बच्चों y1, ठीक है ना, x1 और y1। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर b+c हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर यहां से नेक्स्ट आ जाइए तो वहां पर हमारे पास है
एक्स टू वाई टू, और फिर यहां से जब एक्स टू को आप पुट करेंगे तो यहां पर देखिए क्या कंडीशन मिलेगी, बी हो जाएगी और यहां से हमारा हो जाएगा नेक्स्ट सी प्लस ए और यहां पर वन। थर्ड में हमारे पास सी हो जाएगा बच्चों, यहां से जब देखेंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा और यहां पर वन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है। सो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या है भाई, आप डिटरमिनेंट को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी बेसिक मेथड हम लोग ने डिटरमिनेंट को सॉल्विंग के लिए देखा है। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए देखिए, आप इसको ऐड करके भी निकाल सकते हो, जो आपने बेसिकली ऐड ही सीखा है कि हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट का एक बेसिक रूल ये है कि अगर आप किसी भी रो को दूसरी रो से एक साथ ऐड करना चाहें तो रो से रो वो सिंपली क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो हम रो को रो से ऐड भी कर सकते हैं, सिंपल पूरा ओपन भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों कई सारे मेथड है जिसकी हेल्प से आप इसको क्लियरली सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए ओपन करके ही देख लेते हैं, देखते हैं क्या कंडीशंस मिलेंगी। सो 1/2 है और जब इसको ओपन करेंगे, सो यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, एक एक करके पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। जब ए के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो ए यानी पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई बाय विथ, देखिए लुक एट दिस, ये कैंसिल हुआ, वन इससे हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी। क्लियर, पहली कंडीशन। दूसरा माइनस बी प्लस सी के लिए ओपन होगा, मैं पूरा ओपन करके ही शो कर देता हूं कि कंडीशंस क्या है। यहां से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम बी इसके साथ में होगा तो बच्चों यहां पर आपको क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा, और सी इसके साथ में होगा तो माइनस का सी मिल जाएगा। ओके, चलिए एक पॉइंट ये हुआ। अब जब वन के लिए रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो वन यहां से ये कैंसिल होगा। सो देखिएगा वन के रिस्पेक्ट में बच्चों, वन तो हमारा यहां पर हम लोग ने किसके रिस्पेक्ट में ओपन किया था बच्चों, बी प्लस सी के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब फाइनली हम लोग वन के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, तो देखिए वन के रिस्पेक्ट में जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या कंडीशंस मिलेगी। करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्या हुई, ये ब्रेक हुआ, ये बंद हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि बी मल्टीप्लाई बाय विथ ए प्लस बी। तो चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, लग जाते हैं तो बार बार बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यहां से जरा देखिए क्या मिलने वाला है, यहां से आपको माइनस का सी स्क्वायर और बच्चों माइनस का क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। सो ये वैल्यू इतनी आपको यहां से पूरी सॉल्व होने के बाद मिल जाएगी। अब बच्चों जरा थोड़ा सा और सॉल्विंग कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली अभी हम लोग ने इतना तो सॉल्व किया है लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी सॉल्विंग की और जरूरत पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा सॉल्विंग और करते हैं। सो 1/2 है और बेसिक आगे इसकी सॉल्विंग को समझते हैं। देखिए कुछ कैंसिलेशन है तो उसको भी कर लीजिए, जैसे कि ये दोनों कैंसिल आउट थे, कर देंगे। यहां से मल्टीप्लाई करिए तो ये ए सी हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो बच्चों यहां से ये ए बी हो जाएगा। क्लियर, यहां से आपको फाइनली बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो साइन माइनस के अंदर जाएगा ना तो उसको चेंज कर देगा। अब यहां की जरा कंडीशंस को देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक ए बी मिला है, प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस का सी स्क्वायर है, माइनस का ए सी है। कुछ भी कैंसिलेशन अभी तक तो बच्चों नहीं हुआ, लेकिन आगे जरूर हो सकता है, एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे तो मे बी कोई ना कोई कैंसिलेशन मिल ही जाएगा बच्चों। जैसे लास्ट वाला ए सी देखिए, इस फाइनल फर्स्ट वाले ए सी से कैंसिल होगा, ये ए बी माइनस इस ए बी से कैंसिल होगा, ये बी स्क्वायर किससे होगा, बी स्क्वायर से होगा, और फाइनली सी स्क्वायर से होगा। यानी हमारे बच्चों सारे के सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सब सारे टर्म बच्चों कैंसिल होंगे तो ये वैल्यू हो गई जीरो। यानी कि इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया, जो कि लाना था। क्यों, क्योंकि पॉइंट्स हमारे कैसे थे, कोलिनियर थे। तो बच्चों यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गया, जीरो आ गया। और बच्चों यही अगर जीरो ना के कोई वैल्यू आती तो वही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता। सिंपली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, अरेंजमेंट को देखना है, समझना है, और इसी के बेस पर इस कोलिनियरिटी की कंडीशन को भी ध्यान रखना है। सो बच्चों ये तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो डिटरमिनेंट पे बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी आ सकने के चांसेस बहुत सारे हैं। सो बच्चों ये तो डिटरमिनेंट पे कुछ बेसिक चीज थी, चलिए कुछ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो डिटरमिनेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी क्लियर करते चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे डिटरमिनेंट का, ये कोफैक्टर्स और कोमाइनर्स क्या है, इन कंडीशंस को भी समझिए। देखिए जब हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट की बात करें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ए, लुक एट दिस। अब यहां पर इस डिटरमिनेंट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, यहां पर एलिमेंट ले लेता हूं कुछ भी, 1, 0, 3, -1, 2, 4, और यहां पर मैंने लिया 3, 1, 0। क्लियर, तो बच्चों ये हमारी एक डिटरमिनेंट हो गई सिंपली। अब हमें करना क्या है, हमें माइनर्स और कोफैक्टर समझने क्या होते हैं। देखिए हमारी जो माइनर्स है वो हमारे माइनर्स, जैसे हम लोग इसको शो करने का जो वे है वो है एम आई जे। अब ये एम आई जे बच्चों आई और जे किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये समझिए, और ये माइनर्स निकालते कैसे हैं। जैसे 1 1 के करस्पॉन्डिंग, यानी पहले के लिए फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है ए 1 1, उसके करस्पॉन्डिंग अगर माइनर्स निकालना हो, ठीक है ना,
A11 के अगर करस्पॉन्डिंग माइनस निकाल लो, ध्यान समझिएगा। सो बच्चों A11 की करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्या कर दीजिए, सिंपली ब्लॉक कर दीजिए। जो भी आपको ये टू ऑर्डर का मिलेगा फाइनली यही क्या है, यही इसका माइनस है भाई, इसी की वैल्यू को आपको निकालना है, यानी कि 0-4 सिंपली क्या आ जाएगा, -4। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको देखिए करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ माइनर की वैल्यू क्या आएगी सिर्फ उससे देखना है। बच्चों हम यहां पर ये वॉच नहीं करेंगे कि ये प्लस है या माइनस है, कौन सा टर्म है, सिंपली जो वैल्यू होगी आपको वही लेनी होगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, ए मान लीजिए हमारा तो ये M11 के रिस्पेक्ट में किया था, मान लेते हैं हम M21 के रिस्पेक्ट में ओपन करके आपको माइनस की वैल्यू निकालना चाहें कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिएगा A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी। सोचो यहां से जरा A21 देखिए कहां पर है, A21 करस्पॉन्डिंग माइनस निकाल रहे हैं A21 के लिए, A21 आपको यहां से तो ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये A21 है सिंपली, ठीक है, ये A21। इस A21 के लिए करस्पॉन्डिंग रो और उसकी कॉलम क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। ये जो आपको दिख रहा है भाई रिमेनिंग, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, यही हमारा A21 का यानी के माइनस फॉर्म हो जाएगा M21। कैसे निकालेंगे, 0 × 0 0 हुआ और बच्चों -3, सो आंसर मिलेगा -3। तो ये तो है बेसिकली हमारे क्या माइनस, ठीक है ना, बहुत इजीली आप इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बेसिक सिखाया कि इसी तरीके से किसी भी डिटरमिनेंट के माइनस। तो बच्चों माइनस को निकालना सिखाना नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ बताना मेन पॉइंट है, आपको पता है कि माइनस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि एसोसिएटेड पॉइंट है, उसकी जरूरत पड़ती रहती है क्वेश्चंस में, इसलिए। अब यहां से आ जाए नेक्स्ट टर्म, वो है हमारा कोफैक्टर्स। अब बच्चों कोफैक्टर्स क्या है, जरा इसको समझिए, जैसे C11 ये कोफैक्टर्स को हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं इस तरीके से, और जो कोफैक्टर्स है बच्चों ये -1 to the power, देखिए कोफैक्टर्स निकालने के लिए Cij एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, Cij क्या होगा, -1 to the power i j i plus j i plus j और Mij। अब ये Mij क्या है, Mij बच्चों वो हमारे क्या है, ये माइनस, ठीक है ना, जो माइनस निकाले थे, और यहां पर -1 to the power i plus j जो होगा ये उस पर्टिकुलर वैल्यू से डिपेंड करेगा। जैसे जैसे मान लेते हैं हम C11 निकाल रहे हैं, तो सिंपली आई भी वन है, जे भी वन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1+1, क्योंकि फॉर्मूला कहता है -1 to the power i plus j, तो यहां पर i plus j 1+1 हो गया, और एम आई जे। अब बच्चों एम आई जे मतलब M11, यहां पर देखिए -1 to the power 1+1, और क्योंकि हम C11 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में M11 की वैल्यू फाइंड करनी है। और जरा देखिएगा M11 की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली थी, मेबी -4 आई थी शायद, यही A11 था हम लोग का फर्स्ट, -4। So, इस वैल्यू को हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, -4 रिप्लेस कर देंगे, किसके प्लेस पर, M11 के प्लेस पर, और निकालने का बेसिक प्रोसेस बच्चों वही है, M11 जैसे निकाल रहे थे, और ये हुआ क्या, -1 to the power 2 यानी कि +1 × -4, तो आंसर इसका भी आपको क्या मिलेगा, -4 ही आ जाएगा। सो इसी तरीके से हम किसी भी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी हम लोग करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है A32, क्लियर, चलिए इसकी बात करते हैं। अब A32 जरा देखिए कैसे डिसाइड होगा, -1 to the power सबसे पहले i plus j यानी कि 3+2, क्लियर, और साथ में रिक्वायरमेंट किसकी है, M32 की। तो चलिए M32 बच्चों कैसे निकालेंगे ये देखिए, सबसे पहले देखिए 32 एलिमेंट कौन सा है, थर्ड का सेकंड, ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को आप क्या कर लीजिए, ब्लॉक कर लीजिए, 4 × 4 और प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये माइनस है, माइनस वहां पर ऑलरेडी होता है, तो प्लस का 4 और यहां पर प्लस का 3, तो टोटल आंसर क्या मिला, 7 आ गया। तो यानी कि आपके जो M23 की वैल्यू थी वो 7 आई है, और ये वैल्यू देगी आपको -1, क्योंकि माइनस के ऊपर ऑड पावर है, तो -1 × 7 फाइनल आंसर आपको मिलेगा -7। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर्स किसी भी करस्पॉन्डिंग हमारे डिटरमिनेंट से रिलेटेड कोफैक्टर्स A11 A22 किसी के लिए भी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस की हेल्प से आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर और माइनस का। कुछ चीजें हैं बच्चों क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जैसे कभी कभी आपके आते हैं तो उस चीज को समझिएगा ध्यान से। जैसे हमारे पास अभी एक जो डिटरमिनेंट मान लीजिए कोई है, और उस वहां पर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से किया जाए कि A11 और C11 इनटू प्लस, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आ चुके हैं, और हमारे पास मान लेते हैं ये एक हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और ये उसी का एसोसिएटेड डिटरमिनेंट है। जरा देखिए यहां पर A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, अब बच्चों ये A21 है, A22 है, A23 हो गया, और ये A31 है, A32 है, और ये A33 हो गया, क्लियर। चलिए देखिएगा, अब यहां पर बच्चों डिटरमिनेंट A हमारा ये दिया हुआ है, क्लियर, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, जरा देखिएगा ध्यान से, ये A11 C11 A22
2C22 और बच्चों प्लस A33, ठीक है ना, A33 मैं इसको A33 कर देता हूं, A33 और साथ में इसके क्या हो जाएगा C33। देखिएगा ध्यान से दोनों में, इस कंडीशंस को समझिएगा अच्छे से, डायरेक्टली इसका आंसर मिलता है बच्चों। देखिए जब आप किसी भी डिटरमिनेंट में, ये देखिए ध्यान से, ये हमारे क्या है किसी भी पर्टिकुलर एक रो या कॉलम को उठाते हैं बच्चों, यहां पर रो पूरी सही कर लेता हूं, A12 है, A13 है, ठीक है ना, और यहां पर भी उसी से रिलेटेड इसको भी सही कर देता हूं। चलिए मैं इसको फिर से एक बार नोट कर दूंगा। सो यहां पर जरा मैं फिर से एक बार बच्चों नोट कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, A11 हो गया फर्स्ट वाला, फिर A12 होगा, सो लुक एट दिस, A12 ले लेते हैं और उसी से एसोसिएटेड उसकी जो C12 है उसको देखिए, और फिर यहां पर क्या है A13 है तो C13, ठीक है ना, अब सही है, अब ठीक है बच्चों। ऐसी अगर कोई सिचुएशन आपको मिलती है, ठीक है ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको मिल जाती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली आंसर समझिएगा। देखिए ये A11 है हमारा एलिमेंट, क्लियर, उसी से एसोसिएटेड क्या होगा C11 होगा, A12 है उसी से एसोसिएटेड C12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा C13 हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट्स और उसके एसोसिएटेड को फैक्टर्स इस तरीके से प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में इस तरीके से आपसे इसकी वैल्यू डायरेक्टली पूछी जाए तो इस सिचुएशन में इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों, इस सिचुएशन में इसका डायरेक्ट आंसर आपका जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है, सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए। और बच्चों अगर ये क्या हो डिफरेंट हो जाए, देखिएगा ध्यान से, मतलब यहां से ये कोई और हो, यहां के हो ले जाए दूसरे वाले रो में, और बच्चों ये C11 C12 C13 रखें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जब उसके प्रोडक्ट को आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, मतलब कि इसका इसका फिर ये C12 हो A22 के साथ, ये इसके साथ हो बच्चों, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग हमारे क्या है, जो भी करस्पॉन्डिंग हमारे ये एलिमेंट्स हैं हमारे डिटरमिनेंट्स के, और उसी के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है सीधे सीधे डिटरमिनेंट ऑफ एक इक्वल होती है, आपको बहुत कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और बच्चों अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो वहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू सीधे आप जीरो लिख दीजिए, वहां पर आपको फिर से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं C11 को A21 के साथ प्रोडक्ट करूं प्लस C12 को A22 के साथ, और इस तरीके से यहां पर सी इसको 1-3 को 2-3, तो यहां पर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से कुछ वैल्यूज हैं जिनको आप फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन में भी डायरेक्टली देखिए किस तरीके से आ सकते हैं उस पर भी देख लेते हैं बच्चों। फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ A12, यानी कि आपको कोफैक्टर की वैल्यू निकालनी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है हमारा A12 ऑफ डिटरमिनेंट दिस। सो A12 जरा देखिए कहां पर होगा, A12 ये है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोफैक्टर्स की। जरा देखिएगा ध्यान से कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, तो कोफैक्टर जो हमारा A12 है यानी कि सी, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर बच्चों C12 हो गया, यानी कि -1 to the power 1 + 2 सिंपली पहले तो आपको ये करना है, देन आफ्टर M12 निकालना पड़ेगा। अब जरा इसको भी देख लीजिए, ये तो हुआ -1 to the power 3, अब यहां से डिसाइड करिए कि M12 क्या है यानी कि माइनस की वैल्यू। सो उसी के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्या करना है हमें ब्लॉक कर देना है, ठीक है। अब क्या करिए आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 6, 7 जा 42 माइनस, और ये माइनस का 4 क्योंकि ये माइनस में होता है बच्चों, यहां से माइनस माइनस क्या हुआ है प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका माइनस में होगा, 46 मिल जाएगा। सो यहां से आप इसको -46 क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और बच्चों जरा यहां की वैल्यू देखिए -1 की पावर 3, ये भी -1 होगा, और बच्चों ये माइनस का 46 है जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आंसर आपका प्लस का 46 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे, तो मे बी 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरीके से। कोफैक्टर डायरेक्टली आपको किसी भी कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस तक पहुंच गए हम लोग, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करनी है हम लोग को समझना है, और इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है उसकी कंडीशंस को क्लियर करना है, यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हमारी मैट्रिसेस हैं, इनवर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, इसको क्लियर करते हैं इसकी कंडीशंस को बच्चों। और यहां पर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्कर 1 मार्कर मिल सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो चलिए पहले इनको समझते हैं फिर उसकी प्रॉपर्टीज को भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले बच्चों एडजॉइनिंग की बात करिए, देखिए हमारे पास अगर कोई बच्चों डिटरमिनेंट है, ठीक है, और उस डिटरमिनेंट के अगर आप उस डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं कि ए हमारे पास एक कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, हमारे पास एक ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं, A12, A11, A12 और A21, A22, क्लियर, स्क्वायर भी है और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब बच्चों यहां पर स्क्वायर और नॉन सिंगुलर दोनों की कंडीशंस ये फॉलो कर रहा है। अब इसको समझिए, इससे जॉइंट निकालने का बेसिक तरीका क्या है कि कैसे हम लोग इससे जॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों आप यहां से एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जो कि इसके क्या बनी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी, यानी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आप सबसे पहले फाइंड करिए। सो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आप जरा देखिए क्या बनेगी, C11, C12 और उसके बाद C21 और C22। बच्चों इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। जो भी इसका ट्रांसपोज होगा, यानी कि जो इस करस्पॉन्डिंग, समझिए फिर से मैं रिपीट करता हूं इस चीज को, आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या किया है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स इससे फॉर्म की है, किसकी मैट्रिक्स, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को, और फिर उसके बाद उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स को फॉर्म करने के बाद उसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, यानी कि जो भी इसके ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी, बच्चों समझिएगा ध्यान से, जो भी इसके ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी एक्चुअल में यही क्या है, यही हमारा एडजॉइंट ए हो जाएगा, इसी को हम लोग एडजॉइंट ए कहेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया एडजॉइंट ए बेसिकली क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, आपके पास एक सिंपली क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ओके, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सिंपली वो स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको करना क्या है, प्रोसेस एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको उसके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, इन्हीं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स फॉर्म करिए, और कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है, सिंपली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। सो यहां से जब आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसकी करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे, वो जो मैट्रिक्स एक्चुअल में होगा वही हमारा एडजॉइंट ए यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स आपकी निकल आएगी। तो इतना बेसिक वर्क आपको करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए एडजॉइंट निकालने के लिए मैं बेसिकली आपको जरा बताता हूं, सिंपली आप अगर 2x2 ऑर्डर में है तो कैसे विदाउट टू मच टाइम वेस्ट किए बगैर कैसे आप सिंपली निकाल सकते हैं, जरा देखिएगा। एक मैट्रिक्स यहां पर ले लेता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, जल्दी से इसमें सॉल्विंग हो जाएगी। यहां पर हमारे पास है 3 और यहां पर है माइनस का 4, यहां पर है 1 और यहां पर है बच्चों हमारे पास, मान लेता हूं 4, यहां 3 ले लेता हूं, कुछ भी 2 ले लीजिए, चलिए आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों, कोई भी एक मैट्रिक्स, सिंपली हमने 2x2 का एक यहां पर मैट्रिक्स दिया। अब आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, देखिएगा समझिए डायरेक्टली किस तरीके से एडजॉइंट निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा आपको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मेथड है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए करना क्या होता है, सिंपली आपको इन्हें इंटरचेंज करना है, क्लियर, ये वाले जो हैं इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब 2 इधर आ जाएगा, 3 हमारा इधर ट्रांसफर हो गया, जहां पर 2 था उसकी जगह 3 को, और यहां पर सिंपली इनके साइन चेंज कर देंगे, पोजीशन सेम रखिएगा। सो यहां पर जरा देखिए प्लस से माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी दिस इज द एडजॉइंट ए ऑफ गिवन ए, सिंपली समझिए क्या किया, इनको इंटरचेंज किया, इन दोनों एलिमेंट्स को 2 यहां पर 3 यहां पर, और इंटरचेंज करने के बाद सिंपली इधर वाले एलिमेंट्स के आपको साइन चेंज करने हैं, बस उनकी पोजीशन नहीं चेंज करनी, उनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं। यहां पर प्लस 4 है तो माइनस 4 कर दीजिए, अगर माइनस 4 है तो प्लस कर दीजिए, और बच्चों यहां प्लस 1 था तो मैंने माइनस 1 कर दिया, इतना कर दीजिए, डायरेक्टली आपको यहां से एडजॉइंट ए निकल आएगा। डायरेक्टली आप एडजॉइंट ए किसी भी मैट्रिक्स का इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर वो 2x2 ऑर्डर में आपको इस तरीके से दिख रही है। तो बच्चों ये तो बेसिक्स है कि एडजॉइंट ए हमारा क्या है, ठीक है ना। एडजॉइंट ए निकालने के बाद बात करेंगे हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। एक्चुअल में एडजॉइंट ए के बगैर इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बेसिक उसी पर डिपेंड है। देखिए अगर हम लोग कंडीशंस को देखें, सो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ये पता है, हम लोग ने बेसिक अभी इस चीज को क्लियर किया है कि एक कंडीशंस है, एक प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए, क्लियर, एडजॉइंट ए और ए, लुक एट दिस, ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू डिटरमेंट ऑफ ए आई एन। चलिए मैं डिटरमेंट ए को थोड़ा सा सही कर दूं, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, जिससे यहां पर हमारा हो जाएगा डिटरमेंट ऑफ ए इंटू आई एन, एंड दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, दिस कैन बी ऑल्सो राइट एज एडजॉइंट ए इंटू ए, क्लियर। तो आप भी ये भी इसको लिख सकते हैं, ये हमारी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि a into adjoint a क्या होता है, determinant of a into in, i है, आपको पता है i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, मान लेते हैं हमारे पास। अब यहां पर जरा देखिएगा a क्या है, a हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स है, a इज अ मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n ऑर्डर की हमारे पास एक स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है a, तो वो इस कंडीशंस को फॉलो करती है, ठीक है, इसको समझिएगा।
और इसके बाद आप इनवर्स में आ जाएगा। आखिर ये इनवर्स मैट्रिक्स होती क्या है? देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो एक ऐसी कोई मैट्रिक्स बी हो कि जब हम ए इंटू बी करें या बच्चों बी इंटू ए करें, इन दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या मिले? आई मिले। समझिएगा ध्यान से, हमारे पास ए क्या है? ए एक मैट्रिक्स है। कैसी? स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, एन ऑर्डर की। कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब कि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास नॉन सिंगुलर होना मस्ट है, अदरवाइज मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी कि मैट्रिक्स अगर इनवर्स पॉसिबल करना है, मतलब समझिए इस चीज को कि अगर मैट्रिक्स का इनवर्स, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का क्या निकालना होगा? इनवर्स निकालना होगा। तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको कम से कम सिंगुलर मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना उस मैट्रिक्स का बहुत जरूरी है, और दूसरा वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। चलिए तभी हम लोग इनवर्स की बात करेंगे, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। सो अगर ये सिचुएशन है कि एक मैट्रिक्स ऐसी हो जिसमें आप चाहे ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, आपको हमेशा क्या मिले? आई मिले। ये सिचुएशन, अगर बच्चों ये सिचुएशन आपको मिल रही है तो आप ये समझ लीजिए जो बी होगा, B is actual में क्या होगी? B is inverse matrix of A, यानी जो B होगा इस situation में हम कह सकते हैं कि B जो होगा वो inverse matrix होगा किसका? A का। So actual में B को ही आप क्या कह सकते हो? A inverse, clear? तो ये basic चीज है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो inverse का basic property है। I hope आपने इस चीज को clear किया कि inverse के लिए क्या basic point होने चाहिए। पहली दो चीजें हैं जिसको follow करना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमारा जो मैट्रिक्स हो कैसा हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि डिटरमिनेंट एसोसिएट तभी हो पाएगा उसके साथ। और दूसरा, वो डिटरमिनेंट जो हमारी जो मैट्रिक्स हो वो कैसी हो? नॉन सिंगुलर, है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो नॉन सिंगुलर है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा इस तरीके से, क्योंकि अभी उसका फॉर्मुला हम लोग अभी बताने वाले हैं कि फॉर्मुला क्या है, किससे अभी आप क्लियर हो जाएगा कि उसका नॉन सिंगुलर होना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए बच्चों, ये तो था बेसिक्स हमारे इनवर्स का। अब जरा देखिए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या। हमने आपसे कहा कि एडजॉइन की जरूरत पड़ती है, एडजॉइन ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए यहां पे आपके पास ये जो सिचुएशन है, अगर हम इस कंडीशन में डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दें, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, दिस इक्वेशन में अगर हम लोग डिटरमिनेंट ए से बच्चों डिवाइड कर दें ऑल थ्री में, सो जरा देखिए क्या बनेगा? ए और साथ में क्या है? एडजॉइन ए, क्लियर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो गया। अब यहां पर बच्चों क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ओके। और यहां पर भी आपको क्या करना है? एडजॉइन ए और ये ए है, और बच्चों यहां पर भी आपको डिटरमिनेंट ऑफ, यानी हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना है। जब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली देखिए भाई, यहां से तो कैंसिलेशन है ना, आपको शो नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप देखिए कैंसिलेशन है, तो क्या बचेगा? यहां से a इंटू एडजॉइन a, a इंटू एडजॉइन a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू आई एन, और वो भी बच्चों उसी के इक्वल हो रहा है सेम। तो आप यहां से समझिए, अब यहां से आप देखिए क्या कह सकते हैं? i इंटू समथिंग वो a ही होगा, और I into A inverse करिए तो भी क्या होगा? वो भी बच्चों A inverse ही होगा, बेसिक तो प्रॉपर्टी यही है। सो A जब उधर आप ट्रांसफर करोगे, सो जरा देखिए ये सिचुएशन बनेगी I into A inverse and that is equal to A inverse, so this can be directly write as when this A going to this way, आप अपॉन में जाना है, सो बच्चों ये तो इनवर्स बन जाएगा। सो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो? चलिए मैं ऊपर वाले यहां से पॉइंट को क्लियर करता हूं, क्योंकि यहां से थोड़ा सा स्पेस बच्चों बना लें जिससे सारे पॉइंट्स आपको ये क्लियर हो जाए। देखिएगा ध्यान से, इन नेक्स्ट स्टेप adjoin a upon determinant of a, that is equal to what? That is equal to i n a inverse. और बच्चों i के साथ मल्टीप्लाई होने पर कंडीशन हम लोगों ने क्या बताया कि i into a inverse that is equal to a inverse, so this can be directly write as a inverse only. So a inverse का फॉर्मूला बच्चों हमें क्या मिल गया? The formula of a inverse is finally adjoin a upon determinant of a. इसीलिए मैं कह रहा था adjoin a भी important है और उसका non singular होना भी बहुत जरूरी है। चलिए देखिए क्यों, यहाँ से formula भी खुद ही discuss कर देगा। देखिए a inverse क्या proof हो गया? इसको आप ऐसे लिख लीजिए determinant of a और साथ में adjoin a। अब जरा देखिए adjoin a निकालना जरूरी था क्योंकि adjoin a formula में है। Without adjoin a आप inverse नहीं निकाल सकते। और बच्चों हमारा determinant का associate determinant जो हमारी square matrix की थी, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना क्यों जरूरी था? देखिए अगर यहां से अगर ये सिंगुलर हो जाता है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए उसके एसोसिएटेड डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है इस सिचुएशन में। अगर यहां पर अपॉन में आप जीरो पुट करते तो एडजॉइन ए की वैल्यू कुछ होती, मान लीजिए आप वहां पर जीरो से डिवाइड करते, सो जीरो से डिवाइड तो डिफाइन ही नहीं, यानी कि ए इनवर्स कभी भी एप्लीकेशन में आ ही नहीं सकता था।
सो फॉर द ए इनवर्स मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस के लिए बेसिकली नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है. दिस इज द नेसेसरी प्रॉपर्टी फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए. तो बच्चों सबसे पहले वो एन बाई एन ऑर्डर का हो सिंपली, यानी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा वो नॉन सिंगुलर हो, देन वी हैव सिंपली फाइंड द ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइन ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. ये हमारा मेन फॉर्मूला है ए इनवर्स को फाइंड आउट करने का. ओके चलिए कुछ और बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग बच्चों डिस्कस करते हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चंस में चलेंगे. चलिए देखिएगा ध्यान से, यहां पर हमारे पास है क्या इसको समझिए. देखिए हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट भाई प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, दोनों को एक साथ ही क्लियर कर देते हैं. देखिएगा यहां पर हमारी सारी एडजॉइन की प्रॉपर्टीज जो फॉलो करता है एडजॉइन है, और बच्चों यहां पर ए क्या है, ए हमारा एक एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, उसके बेस पर ही हम लोग इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं बच्चों डिस्कस कर रहे हैं. चलिए देखिए क्या करके. सो यहां पर देखिए अब बच्चों प्रूविंग्स की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, तो इतना ज्यादा आपको प्रूविंग्स नहीं पूछी जाएगी, इसलिए बेसिक्स क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पर पूछे जाएंगे, तो वो मैं डिस्कस जरूर कर दूंगा. और इस बार आपको ज्यादा प्रूविंग्स पे फोकस नहीं करना, मैंने आपको इनवर्स का प्रूविंग इसीलिए बता दिया है, बेसिकली वो भी नहीं आएगा आपको तो श्योर मान के चलिए आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने आपको दिया टाइम, क्योंकि आपको अब वहीं लगाना है जहां से आपको मार्क्स मिल सके. चलिए देखिए एडजॉइन ए इंटू बी, अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों आप इसको डायरेक्टली एडजॉइन बी इंटू एडजॉइन ए लिख सकते हैं, जरा रूल पर ध्यान रखिएगा एडजॉइन बी इंटू एडजॉइन ए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एडजॉइन ए ट्रांसपोज, दिस कैन बी डायरेक्टली राइट एज एडजॉइन ए देन ट्रांसपोर्ट, है ना, एडजॉइन ए निकाल लीजिए फिर उसका ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, या एडजॉइन ए ट्रांसपोज निकालिए, दोनों सेम है. दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर टू. और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, देखिए ये ज्यादा आपके वर्क में नहीं आती हैं, लेकिन इस पे बेस क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है, जरा इसको समझिएगा. यहां पर आपका है एडजॉइन ए, लुक एट दिस, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एन माइनस वन. अब बच्चों यहां एन क्या है वो भी समझते चलिए, वेयर एन, जो बच्चों एन है दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, हमारे उस एसोसिएटेड मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एन यहां पर वही कह रहा है. और बच्चों फाइनली जरा देखिए फोर्थ वाले में, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए इज इक्वल टू मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए, क्लियर. इसी में एक बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं उसको यहां साइड में लिखता हूं, प्रॉपर्टी नंबर फाइव. चलिए मैं ये नीचे रखता हूं जिसको, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, वहां इनवर्स की प्रॉपर्टियां हैं. सो यहां पर जरा देखिए प्रॉपर्टी नंबर फाइव एक बता देता हूं, ध्यान में आ गई तो उसको ध्यान रखिएगा. डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन, ठीक है, एडजॉइन टू एडजॉइन ए, चलिए ये देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइन टू एडजॉइन ए ऑफ डिटरमिनेंट दिस, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस टू ओनली, क्लियर. ये ध्यान रखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस टू ओनली, इतना ही होगा सिर्फ. तो बच्चों ये तो बेसिक्स है कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस में इन कंडीशंस को अप्लाई करना है एडजॉइन की प्रॉपर्टीज में. अब कुछ इनवर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, उसको भी समझते चलिए. देखिए एडजॉइन के बाद इनवर्स की प्रॉपर्टीज को क्लियर करते हैं. ए इनवर्स टू इनवर्स, अगर आप इनवर्स का मैट्रिक्स का फिर से एक बार इनवर्स निकालेंगे देन मैट्रिक्स इटसेल्फ फिर से वही मैट्रिक्स वापस बैक कर जाएगा, ठीक है ना. चलिए इस कंडीशन को समझिए, ए ट्रांसपोज इनवर्स करिए या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करिए बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सिचुएशंस में सेम आपको मिलने वाली है वैल्यू. अब जरा ये रिवर्सल लॉ है इसको अच्छे से समझिएगा, ए बी इनवर्स, और बच्चों यहां पर ए और बी समझ लीजिए क्या होना चाहिए, ए और बी का दोनों का सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके बेस पर ही ये सारी कंडीशंस फॉलो हो पाएंगी. सो ए बी होल इनवर्स दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ है, देखिए बी इनवर्स फिर देन आफ्टर ए इनवर्स ऑर्डर को ध्यान रखेगा. और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल सकते हैं, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिंपली आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसी कंडीशंस पे देखते हैं, जैसे मैंने आपको ये कंडीशंस बताई कि ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स है तो आपको सिंपली वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए करनी है. जरा देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका एसोसिएटेड हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू आपको कुछ दे रखी है, मैंने दिया माइनस फाइव, ओके दिस इज गिवन टू माइनस फाइव एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तब आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, वन मार्कर क्वेश्चन,
मे बी मोस्टली इन कंडीशन में, इन कंडीशन में बेस्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत आने, क्योंकि आपका समझिए प्रॉपर्टीज तो चली गई, प्रॉपर्टीज तो इस बार कोर्स से निकल गई है ना, वो तो रिड्यूस पोर्शन में चली गई 30% पार्ट में। अब जो बच रहा है बच्चों इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली जो आते हैं उन्हीं पर आपको ध्यान रखना है, ज्यादा उन्हीं पर ज्यादा फोकस करना। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5 सिंपली, और यहां पर आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, आपको पूरा सॉल्व करके फिर डिटरमिनेंट, यानी कहने का मतलब आप ए इनवर्स निकालें और फिर ए इनवर्स निकाल के उसके बच्चों बहुत बड़ा काम है, एक नंबर का क्वेश्चन है और आप उसके लिए कम से कम 5 मार्क्स क्वेश्चन के बराबर का प्रोसेस करेंगे। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, आपको इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको हेल्प लेनी है, इन सारी प्रॉपर्टीज को इसीलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए हमने प्रॉपर्टी सीखी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए सिंपली, तो आपको करना क्या होगा, 1 मार्कर लेने के लिए सिर्फ 1/ इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स is equal to 1/ determinant of a, और बच्चों determinant of a आप तो given है question में, so this is 1/ -5 simply, इसकी value put कर दीजिए और आपको देखिए इसकी value यहाँ से निकल के आ गई -1/5। तो इस तरीके से आप इन determinants की conditions में जो inverse और matrix से related है easily उसको apply कर सकते हैं और उसपे बहुत questions आते हैं जिसको आप easily solve भी कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ बहुत important से sum है जिनको हम लोग क्लियर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को बच्चों क्लियर करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से इनकी कंडीशंस को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, सबसे पहले ए वो बता दिया गया है कि ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल। अब बच्चों अगर ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो आपने बेसिकली दो चीजें इसके बारे में जान ली, पहली एन ऑर्डर का होगा मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, श्योरली स्क्वायर होगा, अदरवाइज इनवर्टिबल पॉसिबल ही नहीं था, और दूसरी चीज यहां पर ये जो मैट्रिक्स है इसकी एसोसिएटेड डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तभी ये इनवर्टिबल पॉसिबल हो पाया होगा, यानी कि ये कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, ए हमारी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो दो बेसिक चीजें हमें पहले से ही पता, चलिए आगे देखते हैं। ऑफ ऑर्डर 3 यानी 3 ऑर्डर की है। अब आगे की कंडीशंस कह रहे हैं कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द एडजॉइंट ए। अब आपको एडजॉइन ए निकालना है सिंपली, देखिए डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में आ जाइए, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज की हेल्प लीजिए, अभी हम लोग ने प्रॉपर्टीज सीखी है उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए और उसी प्रॉपर्टी के बेस से इन कंडीशंस में लगाना शुरू करिए। देखिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या सीखी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए, क्लियर, एडजॉइन ए दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। ओके यही तो प्रॉपर्टी सीखी थी ना, एन माइनस वन, जहां पर बच्चों एन क्या है भाई, एन हमने आपको बताया था कि एन एसोसिएटेड विद ऑर्डर, ऑर्डर ही हमारा क्या है एन होता है और ऑर्डर हमारा कितना है बच्चों 3 है, यानी एन की वैल्यू आपको एक तरीके से डायरेक्टली पता है कि वो 3 है। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करिए, देखिए सीधे आपको आंसर क्या मिलेगा। सो बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 5, सो वी हैव टू पुटिंग 5 इन द प्लेस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एन हम लोग ने डिसाइड कर लिया क्योंकि एन हमारा कितना ऑर्डर है 3 ऑर्डर है, ऑर्डर 3 गिवन है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेकन इन द प्लेस ऑफ एन एज 3, वहां पर 3 ले लीजिए और -1। ओके सो 5 टू द पावर 3 -1 यानी कि 2 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 25। तो सीधे प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट करना है और आपको सीधे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से क्या कर रखा है बच्चों, अगर अच्छे से उसको वॉच करके रखा है, अच्छे से उसको लर्न करके रखा है, तो इन प्रॉपर्टीज को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वहां पर इन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी भी प्रॉपर्टीज को जरा क्लियर करिए, देखिए यहां से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 यानी कि 3 ऑर्डर की हमारे पास एक सिंपल सी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, जहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2 है, और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, जरा देखिए किस तरीके से हमने फॉर्मूला इसका सीखा था। सो अभी प्रॉपर्टीज में ही बच्चों हम लोग ने इस चीज के फॉर्मूले को डिस्कस किया है, तो एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए निकालने के लिए इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला था, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 2, क्लियर, यही फॉर्मूला था ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 2, दिस टाइम एन माइनस 2 होगा। अब बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए जरा देखिए क्या गिवन है, दिस टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए इज गिवन टू 2, यानी कि आपको यहां पर ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले से ही गिवन है, सो वी हैव टू पुटिंग एज 2। और बच्चों जरा देखिए पावर में क्या है, यहां पर ऑर्डर कितना है 3 ऑर्डर है, यानी कि 3 ऑर्डर का मतलब है एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, सो द वैल्यू ऑफ एन इज ऑल्सो 3, सो 3 माइनस 2, सो 2 टू द पावर 1, और मतलब आंसर क्या हुआ बच्चों
टू ही हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली सॉल्विंग करके यहां पर कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं अपने फाइनल कंडीशंस की ओर, अपने फाइनल सम की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सम है जिसको हम लोग ने यहां पर डिस्कस करना है, कंडीशंस को क्लियर करना है, समझना है। और ये क्वेश्चन 5 मार्कर आता है, यानी कि कोई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये 5 मार्क्स में आने के चांसेस बच्चों पूरे फुल हैं। श्योरली ये हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। देखिए यहां पर आपको ए इनवर्स निकालना होगा, और बच्चों हमने उसी के साथ में इक्वेशंस को सॉल्यूशंस को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन जब 5 मार्क्स में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स नहीं पूछा जाएगा, यानी कि आपके दो क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो सकते हैं। फर्स्टली हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं सिंपली, और ए इनवर्स निकालने के साथ साथ हम इक्वेशंस की भी सॉल्यूशंस यहां पर निकाल सकते हैं। तो चलिए इन कंडीशंस को समझिए। देखिए सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक प्रोसेस होता है, कैसे हम लोग डिटरमिनेंट की हेल्प से इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन डिटरमिनेंट से जो आपको इक्वेशंस दिख रही हैं 1, 2, 3, इनसे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग नेमिंग देते हैं ए। जरा देखिएगा वो मैट्रिक्स किस तरीके से फॉर्म होती है, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगी उसको भी समझिएगा बच्चों। x का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन से लीजिए, x का कोफिशिएंट सबसे पहले 1, फिर y का कोफिशिएंट 2, देन आफ्टर z का कोफिशिएंट वो भी बच्चों 1 होगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले इक्वेशंस के पास पहुंचेंगे और उसी दूसरे रो में अपने यहां पर एलिमेंट्स लेंगे। कैसे, x का फिर से कोफिशिएंट बच्चों 1 है, अब जरा देखिए y का कोफिशिएंट वहां पर मिस है तो इसका मतलब वो 0 होगा, सो यहां पर ये वैल्यू आप 0 ले लीजिए, देन 3, क्योंकि z का यहां पर जो है वो कोफिशिएंट 3 है। अब बच्चों इसी तरीके से थर्ड रो भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, अगर 2 इक्वेशंस होती तो 2/2 का फॉर्म होता सिंपली। अब यहां पर जरा देखिए x 2 कोफिशिएंट्स है इसका, y का बच्चों -3 है, और लेकिन z यहां पर मिसिंग है, तो इसका मतलब z क्या होगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैट्रिक्स ए फॉर्म करना, और एक्चुअल में यही बच्चों जरा देखिए मैच करिए हमको मैट्रिक्स ए क्या है दे रखा है। देखिए 1, 2, 1, 1, 0, 3, 2, -3 और 0, ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशंस के साथ कनेक्ट है, तो ये ए हो गया। सोचो ए तो आपने निकालना सीख लिया, चलिए भाई ए हमने निकाल लिया है तो इसको मैं यहां से मूव कर लेता हूं। मुझे सिर्फ आपको बताना था कि बच्चों ये ए कैसे आप लोग डिसाइड करोगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि इफ ए इज गिवन टू दिस, एक्चुअल में वो ए हमारी इसी की कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही गिवन है, ओके, फाइंड ए इनवर्स एंड ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन दिस, ठीक, और इसी की हेल्प से आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। तो बच्चों वो ए इनवर्स बहुत हेल्प करेगा, आप जरा इसकी कंडीशन को समझिए। जस्ट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस बेसिक को समझते चलें कि हम लोग ने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाई थी, और अगर हम उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को यहां लेते हैं एक मैट्रिक्स हम x बनाते हैं, वो x मैट्रिक्स क्या होगी, ये हमारे ये वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होगी x y z, और बच्चों एक मैट्रिक्स b फॉर्म करते हैं जो कि होगी हमारी 7 11 1 ये वैल्यू की जो मैट्रिक्स होगी। सो यहां से इक्वेशन क्या फ्रेम होगी वो देखिए, a into x is equal to b, भाई अगर आप करके चेक कर लो, a into x करो, a को x के साथ into करो, ये देखिए आपकी पूरी यही equation आ जाएगी, equal to b करिए और compare करिए, यही तीनों equation फिर से बन जाएंगी। तो equation क्या होती है, ax is equal to b, clear। अब यहां से इसके बाद जरा x की value देखिए, जरा x is equal to क्या हो जाएगा, a inverse b, यानी x की वैल्यू होगी a इनवर्स b, यानी अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों तो यहां पर इस x की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय विद b, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और b क्या है बच्चों, b आपके सामने है, a भी आपके सामने है, लेकिन a इनवर्स नहीं है, यानी बेसिकली डिमांड किसकी है, a इनवर्स की। तो जैसे ही आप a इनवर्स निकालेंगे ना तो आपके दोनों वर्क हो जाएंगे, पहला तो आपका एक इनवर्स आ जाएगा सिंपली, जिसकी डिमांड भी है क्वेश्चन में। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपके इसी के होंगे ए इनवर्स के फाइंड आउट करने के, राइट ए इनवर्स, देन आफ्टर हम लोग ए इनवर्स को बी से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, और बच्चों जब आप ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों ही हमारी इक्वेशंस कंपेयर हो जाएंगी, इस तरीके से दोनों ही हमारी जो मैट्रिसेस फॉर्म होंगी वो कंपेयर होंगी, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो प्रोसेस आई होप आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, यानी मेन डिमांड मेन फोकस हमारा कहां पर है, ए इनवर्स। जब ए इनवर्स आएगा तो बच्चों हम यहां पर इक्वेशंस को लिख लेते हैं, चलिए a inverse into b, this is equal to x। अब इसी equation की help से हम लोग बाकी की बाद में solving करेंगे। So equation मैंने यहाँ note कर लिए। बच्चों x आपको पता है क्या है? चलिए x भी लिख लेते हैं क्योंकि बाद में जब x की और b की जरूरत होगी तो x हमारा है x y z simply, वो तो पता ही होगा। और बच्चों b क्या है? चलिए b भी denote कर लेते हैं। b जो है हमारी matrix, so b is equal to 7 11 और 1, clear। तो इन जिन चीजों की हमें डिमांड आगे पड़ेगी मैंने उसको वहां नोट कर दिया है। यहां से पूरा स्पेस क्लियर करते हैं क्योंकि बच्चों यहीं पर हमें थोड़ी सी सॉल्विंग करनी है। चलिए तो अब यहां से बात करेंगे ए इनवर्स को निकालने की। बच्चों आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है,
नहीं, आपने अभी सीखा है, हम लोग ने इस चीज को भी प्रूव भी किया था कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए और साथ में इनटू एडजॉइंट ए। क्लियर? तो यानी आपको एडजॉइंट ए निकालना है, डिटरमिनेंट ए निकालना है। पहले आप चेक करोगे सबसे पहले फर्स्टली किससे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आपका क्या आ गया बच्चों, अगर इसकी वैल्यू अगर हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो सिचुएशन यहीं से काम खत्म, भाई पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि ए इनवर्स ही नहीं निकल पाएगा। ओके चलिए, सो यहां से जरा ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना है। और आपको पता है कैसे करना है, प्लस माइनस और प्लस ओपन कैसे करते हैं, आपको पता है कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों, पहले वन के रिस्पेक्ट में जब आप ओपन करके इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, तो ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम ये जीरो हुआ, ये माइनस नाइन हुआ, लेकिन ये एक्चुअल में माइनस ही होता है, तो इसको प्लस नाइन कर देगा फर्स्टली। ठीक है, फिर सेकंड वाला यानी माइनस टू के रिस्पेक्ट में ओपन करिए। सो जब आप माइनस टू के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो प्लस माइनस बच्चों ये कैंसिल होगा, देखिए ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम वन से जब जीरो को करेंगे जीरो हो जाएगा, ये माइनस का सिक्स होगा, और बच्चों माइनस का सिक्स हमने यहां पर इसको प्लेस कर दिया। क्लियर? अब जरा नेक्स्ट आ जाइए, वन के लिए जब बच्चों ओपन करेंगे तो ये प्लस वन के लिए ओपन होगा, यहां से ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का थ्री होगा, ये जीरो होगा, तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आएगा, जब वन के लिए ओपन करेंगे सो माइनस का थ्री आ जाएगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम में ये माइनस थ्री और ये जीरो है, तो आंसर माइनस थ्री ही मिलेगा। अब इसकी सॉल्विंग कर ले, यही जो वैल्यू आएगी बच्चों ये हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए देगी, और यही डिसाइड करेगी कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर ये जीरो आ गया तो फिर यहीं से एंड, लेकिन नहीं जीरो आया तो हम लोग आगे के प्रोसेस को करते रहेंगे। So, देखिए यहां से हम लोग ने देखा तो ये नाइन है, ये प्लस का कितना हुआ बच्चों, यहां से ये 12 हो गया, और फिर से ये क्या हुआ, माइनस का 3 हुआ। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये जरा देखिएगा, 6 प्लस 12 यानी कि टोटल हमारे पास ये कितना बन गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया 18। इसका मतलब ये तो श्योर है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 18 आई है, मतलब ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका हम लोग इनवर्स इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हम लोग ने डिसाइड कर लिया, जो कि आया है 18, जिसकी हमारे पास अभी डिमांड आने वाली है। अब बच्चों यहां से जिन जिन चीजों को हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं उनको हम लोग को इरेज भी करना पड़ रहा है, तो आप बेसिकली इन चीजों को समझते जाइए कि हम क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों स्पेस कम है और हमारे पास सॉल्यूशन के लिए स्पेस की डिमांड है, क्योंकि उसी के बाद ही हम सारे प्रोसेस को कर पाएंगे। अब बच्चों हमारा सारा फोकस है किस पर, एडजॉइन ए पर, और आपको पता है एडजॉइन ए का बेसिक, चलिए वो भी फिर से क्लियर करते चले। देखिए एडजॉइन निकालने के लिए जिस भी आप मैट्रिक्स का एडजॉइन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स ए का ही एडजॉइन आपको निकालना पड़ेगा, सो आपको सबसे पहले उससे एसोसिएटेड क्या करना पड़ेगा, उससे एसोसिएटेड को फैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, a11 a12 c11 c12 और c13, इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स भी आप निकालेंगे, को फैक्टर्स निकालेंगे, उनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, और बच्चों वो ट्रांसपोज जो आएगा एक्चुअल में वही एडजॉइन ए होगा। तो एडजॉइन ए का बेसिक्स मैंने आपको क्लियर किया, अब निकालना शुरू करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो बात है कोफैक्टर्स निकालने की, चलिए भाई एक एक करके इसके कोफैक्टर्स निकालिए, जो सबसे बड़ा काम है भाई किसी भी एडजॉइनिंग निकालने के लिए, जो सबसे मेन वर्क होता है वो होता है कोफैक्टर्स। ठीक है ना, अगर ये कोफैक्टर्स सही से निकल आए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, चलिए कोफैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे बच्चों C11 से। क्लियर है, C11 से स्टार्ट करिए। देखिए C11 यानी के माइनस, आपको पता है माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन, ठीक है ना, तो वो तो पहला क्या होगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, यानी कि प्लस में ओपन होगा। सो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्या हुई, हमारी कैंसिल हो गई, ये जीरो हुआ, ये क्या हुआ, माइनस का नाइन हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहां पर जब आपने इसके लिए सॉल्विंग करी तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्या हो गई, यहां से हमारी ये कैंसिल आउट हो गई, जीरो से जीरो हुआ, ये माइनस नाइन हुआ, और एक्चुअल में बच्चों ये प्लस का जीरो और माइनस का नाइन, और माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस नाइन हो जाएगा, और यहां पर हमने साइन आगे प्लस का ही रखा है। क्यों, क्योंकि भाई वन वन प्लस होके वो पावर माइनस टू बना देंगे, मैंने डायरेक्टली आपको बताया है कि वो माइनस वन टू दी पावर आई प्लस जे होता है, जो कि वन प्लस वन हो जाएगा, टू हो जाएगी, यानी माइनस वन की पावर टू होगी, आंसर प्लस वन होगा। तो ये बेसिक सारी चीजें हैं जिसको आप लोग को शायद ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा C12। क्लियर, बैठे ही मैं माइनस साइन ले लेता हूं, बाद में उसका जो साइन होगा उसको हम लोग चेक कर लेंगे, जिससे आप भूलिए नहीं। सो जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर जब दूसरे वाले में आएंगे तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब आपको करस्पॉन्डिंग यहां से फाइंड करनी है वैल्यू, मैंने माइनस ऑलरेडी पहले ही लगा लिया, वो अपने आप ही अरेंज हो गया। अब यहां से सिर्फ आपको माइनस चेक करना है, तो बच्चों ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम क्या हो जाएगा, ये हमारा करस्पॉन्डिंग रो कॉलम ब्लॉक हो जाएगा, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और बच्चों ये होगा माइनस का सिक्स। सो माइनस का ये हमें मिल गया सिक्स। क्लियर, और फाइनली जरा आ जाए वो होगा C13। So, C13 बच्चों क्या होगा, वो प्लस में ओपन होगा, क्योंकि प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस होता है, क्योंकि वो 13 है, 4 हो जाएगा, 4 और हमारी प्लस में देता है। चलिए आ जाइए यहां पर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल होंगे, माइनस का 3 होगा, 0 होगा, तो बच्चों यहां से जरा देखिए आपको फिर से माइनस का यहां पर क्या मिल जाएगा,
3 मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू माइनस की 3 मिल जाएगी। फिर से एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम ब्लॉक हुए, ये हमारा गया माइनस 3 के 1 के साथ तो माइनस 3, और बच्चों ये 0 हुआ माइनस का तो माइनस 3 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस 3 में 0 माइनस करिए क्या फर्क पड़ेगा, आंसर माइनस 3 आने वाला। अब जरा इसी से नेक्स्ट आ जाए 2-1 में, जब 2-1 की बात करोगे आप, सो देखिए 2-1 है, 3 आ रहा है, इसका मतलब माइनस से स्टार्टिंग होगी। आगे के प्रोसेस को देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग करस्पॉन्डिंग इसकी माइनस देख लें क्या वैल्यू होगी माइनस की। तो ये 2-1 है, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0। और बच्चों इसको जब आप करोगे तो माइनस का 3 होगा, देखिए ध्यान से, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ब्लॉक हो गई, ये 0 हुआ, ये बच्चों माइनस का 3 हुआ, और माइनस ये ऑलरेडी है भाई, देखिए ध्यान से, ये हमारा करस्पॉन्डिंग रो कॉलम गया, ये 0 हुआ, ये माइनस 3, और ये माइनस में होता ही है तो यहां पर इसको कर देगा प्लस, लेकिन फिर से एक बार माइनस लगा वो फाइनली माइनस ही हो जाना है। चलिए होने दीजिए, अभी हम लोग आगे देखते हैं। ए C22 देखिएगा, नेक्स्ट C22 की बात कर लीजिए, ये कैसे डिसाइड होगा बच्चों, जब आप C22 की बात करोगे तो यहां पर जरा देखिए C22 कौन सा है, तो यहां पर C22 हमारा इसके लिए करस्पॉन्डिंग है, इसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम क्या हुई, ब्लॉक हो गई, क्या होगा ये प्लस में होगा सिंपली, ठीक है भाई, प्लस में ही ओपन होगा। यहां से आप इसको इसको जरा देखिए ब्लॉक कर दीजिए, तो ये तो हुआ हमारा क्या 0, और ये क्या हुआ हमारा माइनस का 2, तो बच्चों यहां पर वैल्यू आपको मिल गई माइनस का 2 सिंपली। अब यहां पर आ जाए A23 में, सो बच्चों ये तो माइनस में ओपन होना है, जरा A23 की बात करिए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम दोनों ही मैंने ब्लॉक कर दी, माइनस 3 से ये हुआ माइनस 3, और ये बच्चों होगा माइनस का 4, क्योंकि 2 जब 4 होता है माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 7 हो गया, सो यहां पर आप इसको माइनस 7 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब बच्चों फाइनल एक और डिमांड है भाई, वो पूरी हो जाए तो हमारा यहां से ये कोफैक्टर का काम हो जाएगा, फिर बहुत हद तक हमारी एडजॉइन भी आ जाएगी। चलिए सो चलिए फाइनली हम लोग A31 तक पहुंच गए। A31 देखिए कैसे निकालना है बच्चों, A31 ये है हमारा, अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को जरा ब्लॉक कर लीजिए, देखिए 3 2 6, और ये क्या होगा यहां से तो आप देखेंगे 0 ही रहेगा, तो 6 - 0 सीधे वैल्यू 6 मिलेगी। नेक्स्ट आ जाइए, अब जरा नेक्स्ट की बात करेंगे तो बच्चों 3 2 है, अब जरा देखिए 3 2 फिर से ये इसको माइनस में ही ओपन होना है, जब इसके लिए करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम इस तरीके से बच्चों ब्लॉक हो गई, 3 से यहां पर क्या हुआ 3, और ये क्या हुआ बच्चों 1, सो देखिए 3 - 1 क्या मिला आपको 2 मिला, सो यहां पर 2 लिख लीजिए, और माइनस तो वो ऑलरेडी था अरेंज कर लेगा। अब आ गए अपने फाइनल टर्म्स में बच्चों A33 में, सो A33 में करस्पॉन्डिंग रो कॉलम आपकी क्या हो गई भाई, इस तरीके से वो ब्लॉक हो जाएगी, और जरा वैल्यू को देखिएगा यहाँ पर 3 3 + 6 में प्लस में ही ओपन होगा, ये 0 है, ये -2 है, सो बच्चों आंसर आएगा माइनस का 2। तो पूरी हम लोग ने स्पेस ले लिया सिर्फ कोफैक्टर्स को निकालने का। चलिए भाई अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो जो ट्रांसपोज होगा बच्चों वही हमारा एडजॉइन ए होगा, तो मैं सीधे ट्रांसपोज करके एडजॉइन ए ही बना लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सीधे बच्चों एडजॉइन ए बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया हमारा एडजॉइन ए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से है बच्चों, क्योंकि इसी पर ही हमारा सारा फोकस था और यही हमारा मेन पॉइंट था समझने के लिए। ओके चलिए भाई यहां से इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं और आगे इसके एलिमेंट यहां पर फिट करते हैं, मैं ट्रांसपोज करके बच्चों लिख रहा हूं, क्योंकि सीधे यहां पर ये देखिए रो में ऐसा है, मैं इसको कॉलम में फिट करूंगा, सो 9 क्लियर, यहां पर बच्चों +6 देन आफ्टर -3। अब जरा सेकेंड कॉलम को देखिए इसके अकॉर्डिंग, सो यहां से क्या हो गया माइनस का 3, नेक्स्ट देखिएगा माइनस का 3 के बाद बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 के बाद बच्चों क्या है प्लस का 7 है, तो यहां पर प्लस का 7 ले लेंगे। फिर यहां पर आ जाइए, देखिए मैंने इसको यहां लिखा था 3 1, तो बच्चों ये 3 1 है, 6 हो जाएगा, फाइनली यहां पर ये माइनस का 2 हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गई बच्चों, एडजॉइन ए की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास इसकी डिमांड नहीं है, तो यहां से थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और अब चलते हैं फाइनल इक्वेशन, लास्ट टर्म है बच्चों और हमारा लास्ट सम भी है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए आंसर मिलेगा, क्योंकि 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना, इससे 5 नंबर मिलेंगे, थोड़ा सा बच्चों प्रोसेस करना ही पड़ेगा। ओके चलिए सो यहां से जरा आगे आ जाए, अब हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों फाइनल क्वेश्चन की कंडीशंस क्या कहती हैं, कि जो एक्स है वो इक्वल होता है ए इनवर्स किसके, ए इनवर्स बी के, और ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था एडजॉइन ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ए हमारे पास ऑलरेडी था, तो यानी अब हम लोग फाइनली ए इनवर्स निकाल सकते हैं बच्चों इजिली। देखिएगा यहां से x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स, वो हो जाएगा 1/18, क्योंकि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, जॉइन ए, और जॉइन ए बच्चों हमारा देखिए ये है 9 6 - 3, और यहां पर बच्चों माइनस का 3, देन आफ्टर -2 और 7, और इसके बाद फाइनली जरा देखेंगे तो हमारे पास है 6 - 2 - 2, तो 6 - 2 - 2 इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पूरा का पूरा बच्चों क्या निकाल लिया हम लोग ने, ये हमारा है ए इनवर्स।
लुक एट दिस, ए इनवर्स का फॉर्मूला फिर से ध्यान करिए, ए इनवर्स का बच्चों फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला था, लुक एट दिस, ए इनवर्स का फॉर्मूला जरा फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, एडजॉइन ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो बच्चों जरा देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 18 तो 1 अपॉन में है, ये क्या थी पूरी एडजॉइन ए थी वो है। अब इस फॉर्मूले के साथ इस कंडीशंस वाले इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाइए कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स, जो x है वो इक्वल होता है ए इनवर्स इनटू b के। सो b जरा देखिए कहां पर है, b हमारे पास बच्चों ये है, ये 7 11 और 1 जरा रख देंगे इसकी वैल्यू। अब बस इसकी सॉल्विंग करिए बच्चों, x के प्लेस पर x की वैल्यू भी प्लेस कर लीजिए, एक्स वाई जेड, तो अब सारी की सारी वैल्यू बस प्लेस हो चुकी है बच्चों, सिर्फ आपको सॉल्विंग करनी है और फाइनल आंसर लिखना है। चलिए भाई सॉल्विंग करते हैं, अब इंपॉर्टेंट कंडीशंस है समझिएगा ध्यान से, और इंपॉर्टेंट कंडीशंस को भी क्लियर करते चलिएगा, थोड़ा सा स्पेस बनाते रहिए बच्चों, जिससे कि कहीं पर अगर कैलकुलेशंस की डिमांड होगी तो हम लोग करते जाएंगे। ओके चलिए, सो यहां से अब आ जाए रो को कॉलम, भाई प्रोडक्ट सबको पता है रो बाय कॉलम होता है, सो रो को कॉलम के साथ इस तरीके से करेंगे, जरा देखिए 7 से जब करेंगे तो 63 मिल जाएगा, फर्स्ट 63, इससे करेंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा, और बच्चों जब इसको माइनस का 33 करेंगे तो फिर ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया 63 33, और ये हमारा 6। अब जरा नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाइए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से रो बाय कॉलम होगा, 42 हो जाएगा सिंपली, फिर 2 से करेंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब बच्चों ये पूरा एक एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा रो बाय कॉलम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक एलिमेंट कंप्लीट नहीं होता, और माइनस 2 किससे होगा, ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर, अब जा जाए जरा फाइनल वाली कंडीशंस पे, तो माइनस का जब इससे करेंगे तो माइनस का बच्चों 21 होगा, फाइनली 7 से करेंगे तो 77 हो जाएगा, और जरा देखिए लास्ट वाले को करेंगे तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये टर्म सॉल्व होकर आ जाएंगे। अब जरा कंडीशंस को जरा देख लीजिए बच्चों, सिर्फ फाइनल के 2 स्टेप्स बाकी हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, 5 मार्कर क्वेश्चन, श्योरली कोई क्वेश्चन बच्चों आए ना आए लेकिन ये क्वेश्चन आपको श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। तो बस फाइनल स्टेप की बच्चों आ रही है, सिर्फ आपको आंसर लिखने का टाइम आ गया है। सो यहां से भाई आ गया हमारा एक्स वाई जेड, और ये आ गया 1/18, और जरा इस वैल्यूज को जरा सॉल्व कर लीजिए, इससे जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 30, और ये 6 है तो ये बच्चों क्या होगा 36। सेकंड जरा देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 बचेगा, 2 और माइनस होगा 18, और थर्ड वाला जरा यहां पर देखेंगे तो 77 माइनस का 23, एक्चुअल में 21 और ये 2 भी माइनस का है, तो ये हो गया 4, और ये बच्चों हमारे पास जरा देखिए क्या आ गया, ये आ गया 5, सो इसको आप लिख लीजिए 54। अब जरा देखिए ये 18 सबसे डिवाइड होगा जाके एवरी 3, सो तीनों से जब आप इसको डिवाइड करोगे, सो देखिए 18 2 जा 36, फाइनली जब आप इसको डिवाइड करेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, 18 2 जा 36 सिंपली, तो ये तो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। अब जब आप 18 से डिवाइड करेंगे 18 2 जा 36, जरा देखिए ये 2 मिल गया, 18 1 जा 18 3 जा, सो इस तरीके से ये 2 1 3 यानी एक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, वाई की वैल्यू कंपेयर करने पर 1 आ गई, और Z की वैल्यू 3 आ गई। सो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल सम है, और आज की हमारी पूरी क्लास में सारे बेसिक्स टॉपिक्स हैं। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यहीं तक, आई होप आपने क्लास को देखा होगा, वॉच किया होगा, सारे बेसिक्स पॉइंट क्लियर किए होंगे, और एक एक चीज को बच्चों डिस्कस किया होगा, हर चीज को हम लोग ने पॉइंट वाइज बेसिक किया है कि क्लास में किस तरीके से वन शॉट हम आपको कंप्लीट करें, सारे बेसिक्स आपको सिखाएं। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यहीं तक, बाकी आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमारे @queries@katyanacademy.com या ऐप पर भी पूछ सकते हैं। सो बच्चों आज की इंपॉर्टेंट क्लास यहीं तक, सारे शेड्यूल आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए, चेक करते रहिए, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।